अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट छोटी सी बात विद एसएसबी में खुशामदी। कामयाबी का राज और जिंदगी बदले, द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस चेंज योर लाइफ्स। दोस्तों, आपकी शेयर की हुई एक छोटी सी बात या अच्छी बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो कामयाबी का राज किन चीज़ों में है और ज़िंदगी कैसे बदली जा सकती है? हमने कहा कि कामयाबी क्या है। कामयाबी एक ऐसी कोशिश होती है जिसको आप बार बार करते हैं और फिर आपको चाहे बहुत बड़ा रिजल्ट ना मिले लेकिन उन एफर्ट्स पे प्राउड करना, अपने आप को खुश होना, ये हमारी कामयाबी कहलाती है। अब हमें कामयाब बनने के लिए किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ये छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम अपने काम के साथ कितने मुखलिस हैं, बी कमिटेड। अब अगर आपकी जो भी मोटिवेशनल परसू होता है उसको कामयाबी के लिए, आप क्या करते हैं, अपनी एक लिस्ट बनाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या जनरेट करना चाहते हैं कामयाबियों के लिए और किस टाइप की आपने एफर्ट्स देनी है। अब जब आप ये अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं तो उसमें टाइम पीरियड के साथ साथ आप अमल करते जाते हैं। उन अमल में अगर आपके पास ये लगे कि कोई चीज़ कमी है तो आप कम से कम 15 मिनट अपने दिन में इस चीज़ पे सोचने के लिए वक्त करें कि मेरी क्या कामयाबी रही और कौन सा टारगेट अभी कम है या गोल को अचीव नहीं किया जा सका। तो आप उस पर फोकस करेंगे तो आपकी वो जो माइंड में एक लगन है वो ज़िंदा रहेगी, तो आपका जो जर्नी है, जो सफ़र है कामयाबी के लिए, वो चाहे बोरिंग भी होना शुरू हो जाए। मींस कि आपने एक प्लान बनाया कि आपको आफ्टर 10 ईयर्स बहुत अमीर शख्स बनना चाहते हैं लेकिन अभी तक आप नहीं बन सके, तो आपसे थोड़ी सी फताहट या आपकी बोरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करें, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को याद करना शुरू करें और वो एक दिन आप देखेंगे कि छोटी छोटी कामयाबियां आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी में तब्दील होती नज़र आएगी और यही आपका जो मोटिवेशनल एक आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको सीधे रास्ते पे रखे और हर रोज़ आपको एक नया एडवेंचर करने की, एक नई कामयाबी की तरफ गामजन होने के लिए आपको रागब करेगी। तो अपनी जो जर्नी है आपकी कामयाबी की तरफ, जो सफ़र है, उससे सीखना सीखें। वो सीखें कि क्या कुछ हमारी मिस्टेक्स थी, क्या चीज़ें हमने सही की और कौन सी हमारी अभी भी बाकी। फिर इसमें आप क्या करें कि अपने आप को खुश रखें, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आप अपने कामयाबी की तरफ जब सफ़र रखते हैं तो उसमें आप रोबोट नहीं बन जाते, दुनियादारी नहीं छोड़ देते, आप कोई भी चीज़ों को मिस नहीं कर सकते, जिनकी जो प्रेफरेंस है वो आप सामने रख सकते हैं और अपने आप को जोश और जज्बे के साथ उस तरफ लेके जाएं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तो अपने ड्यूरिंग द वे जो है आपके कामयाबी का सफ़र है उसमें आप अपने अंदर फन रखें, खुशी रखें। फिर जब आप ये रखेंगे तो उसके लिए आपको मस्बत सोच रखनी होगी। मस्बत सोचेंगे तो मस्बत रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने सोचना मस्बत है और ये ही चीज़ें आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी और जो आपकी नेगेटिव सोच है, जो मनफी सोच है, उसको अगर आप वहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे मस्बत सोच की तरफ तो वो आपको अच्छे रास्ते की तरफ, जो कि कामयाबी की तरफ जाता है, उसकी तरफ गामजन करेगा। तो अपनी वो चैलेंजेस जो आपको आ रहे हैं, जो मुश्किलात आ रही हैं, उन पे फोकस करें और उसी रास्ते पे आगे चलते रहें। उसके बाद
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप अपने कामयाबी के लिए, अपने सफ़र में, अपनी मंजिल के लिए सच्चाई से काम करते रहें। मुश्किलात आएंगी, बहुत सारे ऐसे लेवल्स आएंगे जहाँ पे आप दिल बर्दाश्त होंगे, आपको मुश्किलात का हल दूंगे। और इसके एग्जांपल यूँ, जैसे अपने सुपरवाइज़र से आपने प्रमोशन लेनी, तो उसके लिए आप बहुत सारे एफर्ट करते हैं। या आप एज ए टीचर अगर किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं जो पहले कभी नहीं पढ़ाई, उसके लिए आप अपना चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो अपने कामयाबी के लिए अपने काम से मुखलिस होना आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये चंद पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी की रहनुमाई में अहम किरदार अदा करेंगे। मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट ये है कि आपकी शेयर की हुई अच्छी बात किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। ये चंद लम्हों की अगर आप वीडियो किसी दूसरे से शेयर करेंगे तो आपको भी इसका एडवांटेज मिलेगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे फेसबुक पेज पे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।